हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस ऑप्शन को आपको टैप करना है। अब आपको में अगले पेज में नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्प्लिट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको स्मार्ट स्प्लिट के इस पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, इसे आपको टैप करना है। अब आपको जो है ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपका जो है ना ये नीचे की साइड आपका ये बटन ऑफ होगा, ये वाला, ठीक है, स्लाइड अप विथ 3 फिंगर टू स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। इस सामने वाले बटन को आपको ऑन करना है, ठीक है। इस तरीके से ऑन हो जाएगा ना तो ये सेटिंग आपकी स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब ये सेटिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल फोन में अगर किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन पर ये सेटिंग अब काम नहीं करती है, जैसे कि सेटिंग का ऐप होता है ना, सेटिंग के ऐप में ये सेटिंग काम नहीं करती है। देखिए इस तरीके से मैं इसे ऊपर करूंगा ना तो ये नहीं स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, इसमें सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आप दूसरा कोई ऐप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो है ना अपने मोबाइल फोन का एल्बम का ऐप ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आपको तीन उंगलियों को एक साथ रखना है और ऊपर की साइड में स्लाइड करना है, इस तरीके से स्लाइड करना है, तो आपकी स्क्रीन ना स्प्लिट हो जाएगी, यानी दो भागों में आपकी बट जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो है ना आप ऊपर की साइड में आप इस पहले वाले ऐप को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे वाले दूसरे भाग में आप जो है ना किसी भी दूसरे ऐप को ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। वो वाला दूसरा ऐप भी आपका इस छोटा सा एक दिखाई देगा, ठीक है, इसकी तरह ऊपर वाले की तरह, ठीक है। आप इस सेटिंग को जो है इनेबल करने के लिए, स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग को इनेबल करने के लिए आप ये ना सबसे ऊपर ये स्टेटस बार होता है ना, इसमें भी आपका ऑप्शन होता है स्प्लिट स्क्रीन का, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना स्प्लिट स्क्रीन, इसे आपको दबाना है, ठीक है। इसे दबाएंगे ना तो आपका मोबाइल फोन तब भी स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि दो भागों में बराबर बढ़ जाएगा, आप दो ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेटस बार ले स्प्लिट स्क्रीन को अगर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पर आपका जो है ना पहले से कोई ऐप ओपन होना चाहिए, तभी ये आपका ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। अगर आपका पहले से कोई भी ऐप इस तरीके से ये ओपन नहीं होगा ना तो आपका ये सेटिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। आपका पहले से कोई ऐप ओपन होना चाहिए, ठीक है, जब आप स्टेटस बार वाले स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन को दबाते हैं तो, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में।